गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गैलरी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में ग्लाइकोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 14 रेस्पिरेशन का। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस होता है गैस CO2 प्लस वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती है। उस ग्लूकोज का होता क्या, फिर वन के ग्लूकोज प्लांट ने ले लिया, उसका होता क्या है? आज वही पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज का होता क्या है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हम देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपली वर्ड से पता लग रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोज ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लाइको मतलब क्या है, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब सिंपल स्प्लिटिंग होता है, यानी ग्लूकोज का टूटना। सिंपल अगर देखा जाए तो ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है क्या है, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का टू मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड, कन्वर्ट होना, टूटना बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस है। अब इसके अंदर ही ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब इसके अंदर ही बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि कहां पर एटीपी खर्च हो रही है, कहां पर एटीपी फॉर्म हो रही है। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस होता क्यों है, ग्लूकोज टूटता क्यों है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है ऑब्वियसली, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे कहां पर एटीपी खर्च हो रही है, कहां पर एटीपी मिल रही है, ठीक है। तो देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सब्सट्रेट ग्लूकोज ही होता है ऑब्वियसली। ग्लूकोज यहां पर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ये कन्वर्जन एक एंजाइम कराती है जिसका नाम है हेक्साकाइनेज। यहां पर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पर कौन कराता है, यहां पर ये प्रोसेस हेक्साकाइनेज। और यहां पर मैंने कहा क्या कहा, एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर सिंपली देख रहे हैं ट्राइफॉस्फेट था डाइफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट बोन की एनर्जी यूज हुई क्या करने में, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होगा, इसके आगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। हम जानते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमर होते हैं, तो कौन सी एंजाइम यूज होनी चाहिए, आइसोमर इज ऑब्वियसली आइसोमर। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1-6-बाइफॉस्फेट। जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1-6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यहां पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, तो एटीपी आया और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एक फॉस्फेट की एनर्जी कन्वर्ट हो यूज हुई फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है, अब बेसिकली देखा जाए तो मैंने ऐसा देखा भी गया जहां पर एटीपी वर्ड आ जाए वहां काइनेज जरूर आता है एंजाइम के एंड में, मोस्टली ऐसा देखा गया। जैसे यहाँ पर एटीपी खर्च हो रही है काइनेज हेक्साकाइनेज, यहाँ पर भी एटीपी खर्च हुई तो यहाँ पर एंजाइम जो यूज होगी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज अगेन काइनेज आ रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो हमने देखा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ, वहां पर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ और कन्वर्ट हो गया। ये किस एंजाइम के मदद से कन्वर्ट हुआ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब क्या होगा इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, क्या होगा, अभी तक देखा गया है यहां पर कोई भी कार्बन का रिमूवल नहीं हुआ है, तो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, तो ये भी 6 कार्बन का होगा, क्योंकि यहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई नहीं। बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही, तो कार्बन नंबर सेम रहेंगे, घटेंगे ना बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रक्टोज 1-6-बिसफॉस्फेट एड्रेनर्जिक एंजाइम की प्रेजेंस में टूटता है दो मॉलिक्यूल में, और दो मॉलिक्यूल क्या इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, दो मॉलिक्यूल, नाम लिखता हूं उनका मैं, फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा एल्डोलेज के प्रेजेंस में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो भी है, और यहां कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड
थ्री फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। तो फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ एडोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में और थ्री फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। अब मैंने क्या कहा था, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये 6,6 कार्बन का था क्या, फ्रक्टोस 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल में टूटा, तो दोनों मॉलिक्यूल के जो कार्बन है यहाँ पर याद रखना है 3,3 कार्बन के, ये दोनों मॉलिक्यूल 3,3 कार्बन के ठीक है, 3 कार्बन का ही है 3 कार्बन की है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था फ्रक्टोस 1,6 बिस्फॉस्फेट टूटा 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में। अब देखो अब इसके आगे प्रोसेस चलेगी, अब देखो जो इसके आगे जो प्रोसेस चलेगी वो इसकी भी सेम चलेगी, इसकी भी सेम चलेगी, क्योंकि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो जो इसकी प्रोसेस है उसको मैं 2 times लिख दूं कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। जो ये प्रोसेस चलेगी वही सेम ये प्रोसेस चलेगी, 2 times कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जब 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड टूटता है यहाँ पर ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टूटेगा, तो मैं इसे हल लिख देता हूँ 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड ठीक है। जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक डिहाइड 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है डिहाइड्रोजनेज। ये बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर एक आपने एनएडी का एनएडी प्लस का नाम सुना होगा, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या होता है रिड्यूस होता है एनएडी एच प्लस एच प्लस में, तो ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ तो दूसरे प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड का 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ऑक्सीडेशन इसका हुआ किसका, इसका रिडक्शन किसका हुआ एनएडी प्लस का, गेन ऑफ एच प्लस क्या होता है रिडक्शन होता है, तो एनएडी प्लस कन्वर्ट हुआ एनएडी एच प्लस एच में ठीक है, समझ आ गया इतना। और यहां पर जो एंजाइम मैंने कहा था कौन सा यूज होता है, डिहाइड्रोजनेज ठीक है। अब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। जब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। भाई हमने खर्च कर लिया, हमने देखो क्या होता है बैंक में, क्या करते हैं बैंक में पैसा डिपॉजिट, बैंक में पैसा देते हैं हम ठीक है, और वो ब्याज समय मिलता है, पहले हमने पे किया उसको फिर हमें मिलता है वो वापस विद प्रॉफिट मिलता है ऑब्वियसली। तो हमने जो खर्च कर दी कितनी, 2 एटीपी खर्च करी हमने, कहां पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी खर्च करी हमने, और कहां पर फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट से, जब फ्रक्टोस 1,6 बिस्फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ तो वहां पर एटीपी खर्च हुई, कितनी एटीपी 2 खर्च हुई। अब खर्च 2 हुई तो हमें ऑब्वियसली 2 नहीं 2 से ज्यादा मिलनी चाहिए, तभी हमें फायदा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस से क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि एनर्जी मिल रही है, खर्च जितनी खर्च हो रही है उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए ठीक है। तो क्या होगा, जब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। अब मैंने क्या कहा था पहले, सबसे पहले स्टेप में कहा था जहां पे एटीपी आ जाए काइनेज बर्ड जरूर आता है एंजाइम के लास्ट में। यहां पर भी क्या होगा, जो ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये एक एंजाइम कराती है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहां पर क्या था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था, यहां पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, याद रखना इस चीज को, फॉस्फोग्लिसरेट ठीक है। अब देखो यहां पर 3 कार्बन है तो ये भी 3 कार्बन होगा ऑब्वियसली, ये भी 3 कार्बन होगा, कहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब मैंने क्या कहता है, जो ये प्रोसेस चल रही है वही इसके साथ चलेगी, इसके साथ डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट का। तो क्या मैं इसे 2 मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, ऐसे ये 2 मॉलिक्यूल की होगी, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन ठीक है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम 3 PGA PGA भी कह सकते हैं, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ठीक है। अब ये कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, किस एंजाइम की वजह से, म्यूटेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज होता है ना, म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फेनोल पाइरुवेट ठीक है, यहां पर ही कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फेनोल
फॉस्फो इनोल पायरुवेट, ठीक है, ये टू, ये फॉस्फो इनोल पायरुवेट ही है, ये टू मॉलिक्यूल चल रहा है सब, ये सब भी टू मॉलिक्यूल चल रहा है, मैंने लिखा था ये टू मॉलिक्यूल चल रहा है और ये भी टू मॉलिक्यूल चल रहा है, समय टू से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो जब टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फो इनोल पायरुवेट में, यहाँ पर एंजाइम यूज होती है इनोलेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है, इनोलेज एंजाइम। अब जो फॉस्फो इनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा, मैं लिख देता हूँ फॉस्फो इनोल पायरुवेट, फॉस्फो इनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, ठीक है, और ये कितने मॉलिक्यूल की बात चल रही है, दो मॉलिक्यूल की, तो टू इंटू कितने कार्बन है, थ्री कार्बन इसमें पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, ठीक है। जब टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था जब भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, एंजाइम के लास्ट वर्ड में काइनेज जरूर होता है, यहाँ पर भी आएगा। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से होता है, ये स्टेप जो होता है किसकी मदद से, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, ठीक है, अगेन काइनेज आ गया यहाँ पर, देख लो हेक्सोकाइनेज एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी यूटिलाइजेशन हो रहा है, सॉरी यहाँ पर एटीपी यूटिलाइजेशन फॉर्मेशन दोनों हो, वहां पर काइनेज आते आता है, यहाँ पर भी काइनेज आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी काइनेज आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, काइनेज आ गया, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक क्या होता है, एडीपी से एटीपी फॉर्म होती है, तो यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं, फॉर्मेशन हो रहा है, हमें मिल रही है प्रॉफिट मिल रहा है, एटीपी यहाँ मिल रहा है हमें, और एटीपी कहाँ मिल रहा था, स्टेप में, इस स्टेप में, देख अब बेसिकली देखा जाए तो ये 10 स्टेप प्रोसेस है, पहली बात तो कितने स्टेप, 10 स्टेप प्रोसेस, देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है। 10 स्टेप प्रोसेस में जो पहली पांच स्टेप जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम बेसिकली देते हैं एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, कहां देखो, एक यहां हुआ एटीपी यूटिलाइजेशन और एक यहाँ हुआ, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, एटीपी यूटिलाइजेशन हो रहा है, और लास्ट में जो 5 स्टेप हैं उसमें क्या हुआ, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे पे ऑफ प्रोसेस कहते हैं, पे ऑफ एंड, मतलब हमें जो हमने जो दिया है अब हमें मिल रहा है वो, ठीक है, और ब्याज सहित मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, क्यों ज्यादा मिल रहा है, देखो यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था, ठीक है, एटीपी खर्च हुई एडीपी में आई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एटीपी खर्च हुई एडीपी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या था, दो मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो यहाँ पर एटीपी भी दो से मल्टीप्लाई होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर एक एटीपी हो रही है फॉर्म, तो टू से मिला दो एटीपी, तो यहाँ पर कितनी, दो एटीपी खर्च कितनी हुई, दो एटीपी मिल कितनी हुई, चार, दो इंटू दो, यहाँ पर कितनी, दो एटीपी, और यहाँ कितनी हो रही है, चार एटीपी फॉर्म हो रही है, दो एटीपी खर्च हो रही है, तो प्रॉफिट कितने का, दो एटीपी का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पायरुवेट काइनेज ये भी थ्री कार्बन का ही है, ठीक है, ग्लूकोज से, ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है, और यहाँ ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये सब में पाई जाती है, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, सब के अंदर पाई जाती है, ये स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म सेल, और यहाँ पर भी कहीं भी किसी कोई भी स्टेप पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, कि ऑक्सीजन खर्च हो रही, निकल रही, कहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज कहीं होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया हो, एनएरोबिक बैक्टीरिया हो, एरोबिक बैक्टीरिया हो, एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो हमें जरूरत भी नहीं है, तो नहीं लेंगे क्या फायदा, मतलब क्या उससे घाटा क्या है, फायदा ही ऑब्वियसली बैक्टीरिया इसलिए ले लेते हैं, बैक्टीरिया इसलिए ग्लाइकोलाइसिस चलती है एनिमल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्शन बेसिकली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ही ग्लाइकोलाइसिस है, और एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सबके अंदर पाई जाती है, तो यही स्टेप थे, और इसी ढंग से एंजाइम का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर, बाकी यही स्टेप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब चैनल।